दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो अगले वीडियो का कंटिन्यू पार्ट है, जिसमें हम दूसरे फ्लावर्स सीख रहे हैं। अब मैं ये रोज़ बना रही हूँ। आई होप आपने अगला वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप अगला वीडियो देख लीजिए पहले। अब हम देखिए यहाँ पे रोज़ क्रिएट कर रहे हैं। सिंपली मैंने वो टेक्सचर पेस्ट को अप्लाई किया है और उसके ऊपर मैं कलर से बस उसको ईयरबड को ऐसे घुमा रही हूँ। मैंने ऐसे फ्लावर्स बहुत बार बनाना सिखा दिया है दोस्तों आपको। ये बहुत सिंपल भी है और बिगनर्स के लिए इजी भी है। आप अपनी तरह से पहले पेस्ट अप्लाई करके उसके बाद कलर करना चाहे तो वैसे कीजिए, और पेस्ट के अंदर कलर मिक्स करके करना चाहे तो उस तरह से कीजिए। वो अपनी चॉइस है, आप पहले कीजिए और आपको जिस भी तरीके से कंफर्टेबल लगता है आप उस तरह से कीजिए। ऊपर से दूसरे कलर की हाईलाइट देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं। देखिए मैं एक और बता देती हूँ जो मैं पेस्ट में मिक्स करके बताने वाली हूँ, ठीक है। अब ये जो उपरा उपरा सा पोर्शन हमें पेस्ट का लग रहा है उसके ऊपर हम डार्क कलर से हाईलाइट कर देंगे। तो रोज सिंपल तरीके से बन जाता है और दिखने में भी ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। ओके, आप भी बनाइए इसे। इसके बाद हम नेक्स्ट फ्लावर देख लेंगे। नेक्स्ट मैं बना रही हूँ सनफ्लावर, और सनफ्लावर बनाने के लिए मैं सबसे पहले बीच का उसका जो पोर्शन होता है वो ईयरबड से ऐसे टैप टैप करके क्रिएट कर रही हूँ। देखिए ब्राउन कलर लिया है, और ब्राउन कलर के टैप हो जाने के बाद मैं ब्लैक कलर से भी थोड़ा कर दूंगी हाईलाइट। बाद में हमें सनफ्लावर के पेटल्स बनाने हैं। पेटल्स बनाने के लिए जैसे मैंने सिखाया था, आप पहले येलो कलर मिक्स करके करना चाहे तो मिक्स करके कर लीजिए, या बाद में करना चाहे तो बाद में कीजिए। मैं यहाँ पे मिक्स करके ही दिखा रही हूँ आपको। कलर कितना लेना है, पेस्ट कितनी लेनी है, ये सब आपको एक्सपीरियंस से ही आएगा। इसका कोई मतलब प्रॉपर मेजरमेंट कोई नहीं बता सकता। आपका कलर कितना पिगमेंटेड है उस हिसाब से आप उसको लीजिए। आप कितना शेडिंग चाहते हैं, डार्कर लाइटर व्हाटएवर, वो आप खुद ट्राई करेंगे तभी आपको आएगा। इसीलिए प्रैक्टिस कीजिए इस बात की। देखिए मैंने वो स्टिक जो बनाई थी, मैं सिंपली उसी से ही इस तरफ से उस तरफ से हाथ लेते जा रही हूँ और लगाती जा रही हूँ। आप जितना बड़ा बनाना चाहे आपको ऑब्जेक्ट उतना बड़ा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आसान तरीके से अपना सनफ्लावर बनके रेडी है। ओके, सूख जाने के बाद का भी डेमो में दिखा दूंगी। अभी एक नेक्स्ट फ्लावर देखेंगे जिसके लिए आपको कोई भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपनी फिंगर टिप से, मतलब बस अपने हाथों का ज़रूरत है उसमें, अपने हाथ से ही वो बन जाएगा। तो बस अपने हाथ ले लीजिए और क्या करना है आपको मैं दिखाती हूँ। फिंगर टिप को आप जिस भी कलर का फ्लावर बनाना चाहते हैं तो पहले वो कलर लीजिए, फिंगर टिप में थोड़ी उंगली के ऊपर ऐसे पेस्ट लेके बस देखिए सिंपल इस तरह से आपको लगा देना है। मैं सबसे पहले यही सीखी थी तो मुझे तो ये बहुत पसंद है। देखिए कितना आसान है और फटाफट बनता है ये। आप जिस भी शेप का फ्लावर करना चाहे वो हो जाएगा। ओके, ये सिंपल फ्लावर्स हो गए हैं। मैं एक आपको जरबेरा करके दिखाती हूँ। देखिए जरबेरा के लिए
आप एक दो कलर मिक्स करते हुए पहले छोटे 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 करके, जैसे अपना वो होता है ना मैरीगोल्ड, बस वैसे ही करना है आपको। भरा भरा सब फ्लावर बन के रेडी हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये भी बन के रेडी है। सूखने के मैं बाद सारे आपको दिखा दूंगी कि ये कितना मजबूत होता है, निकल जाता है कि नहीं, कैसा है। इस तरह से ये चार हमने इस वीडियो में सीख लिए हैं। देखिए मैं डेमो दे देती हूँ आप लोगों को। ये हमने पहले के वीडियो में बनाए थे, लेकिन ये सूखने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये पेस्ट के आधार पे कितने अच्छे लग रहे हैं, और बिल्कुल ये निकलता भी नहीं है। ये निकलता नहीं है तो समझ लो आपने जो पेस्ट बनाई है वो कंप्लीट ओके है। ना उसमें पानी ज़्यादा था, ना फेविकॉल कम था, कुछ भी नहीं, बस कंप्लीट था वो। ये देख लीजिए, मैं दिखाती हूँ आपको। क्रैक भी नहीं होनी चाहिए। अब हमने जो बनाया उसको सूखने दीजिए, उसके बाद उसमें क्रैक्स नहीं आनी चाहिए। इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो वहाँ से देखिए वो गिरना भी नहीं चाहिए, तभी अपना टेक्सचर जो पेस्ट हमने बनाई है वो कंप्लीट है। ये टुलिप देख लीजिए सूखने के बाद कितना अच्छा लग रहा है ये। ठीक है, इस तरह की कंसिस्टेंसी से बनाइए आप। ये देख लीजिए, इसमें भी कुछ भी नहीं गिरा है। और ये हमने जो अभी सीखे उसमें मैंने देखे 3D लाइनर अप्लाई की है, जो मैंने अगले वीडियो में बताई थी। वो भी सूखने के बाद देखिए कितनी अच्छी लग रही है। सनफ्लावर भी देखिए सूख चुका है। वो निकलना नहीं चाहिए, तभी अपना मतलब रेशियो है वो प्रॉपर है। सारे फ्लावर्स बनके रेडी हो चुके हैं। अभी मैंने इतने दिखा दिए हैं। जैसे जैसे मैं नए बनाऊंगी आपको शेयर करती जाऊंगी। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। मिलते हैं दोस्तों, चलो बाय बाय, टेक केयर।